हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधिकास कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ राधिका पाटिल। आई अपलोड हियर वीडियोस अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल व्लॉग्स टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट्स देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह के मॉर्निंग का क्लिप है। आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी, मेरा स्नान वगैरह हो चुका है। आप बाहर देख सकते हो पूरा अंधेरा ही है। तो आज श्रावण का सोमवार है, तो सबसे पहले तो आपको सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो और महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, बरसती रहे। तो ये जो क्रो है ना, कौवा, ऐसे ही चिल्लाता है। तो मैं अभी तुलसी की पूजा, थोड़ा सुबह हो गया मतलब सूर्य जी निकल गए, तो उसके बाद ही मैं तुलसी की पूजा करती हूँ। तो तुलसी की पूजा करने के लिए मैं बाहर आई हूँ सूर्य निकलने के बाद में। अभी 6:15 हो रहा है, तो ना ये चिल्लाने लग गया। तो जब तक मैं इसको खाने को दूंगी नहीं, तब तक ये ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। तो इसलिए पहले मैंने इसको खाने को दे दिया है। अब ये खाएगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं पूजा करने को लूँगी। तो ये तो मेरा डेली का है, इनको खाना नहीं देंगे तो ये लोग चलाते रहते हैं। ये हो गया, कबूतर भी आते हैं। तो पहले ना मैं स्टील के छोटे छोटे कटोरियाँ रखती थी, तो क्या हुआ मैं कौए 2-3 बार हो गए, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे कौए ना कटोरी उठा के लेके चले गए। रुको मैं आपको उसका क्लिप दिखाती हूँ आपको। देखो ये कटोरी है ना, ये पहले की क्लिप है। तो ऐसे एक सेव डाल के दिया था मैंने, और इसमें ना ये सेव ही खाता, दूसरा कुछ खाएगा नहीं, सेव ही चाहिए इसको। और पता नहीं इसको क्या हो जाता है, और देखो ऐसे कटोरी उठाया और सीधा लेके चला गया, अपने बच्चों के लिए लेके जाता है कि क्या क्या मालूम। ऐसे ये दूसरी या तीसरी कटोरी मेरी जो लेके उड़ गया वो। तो फिर मैंने मार्केट से प्लास्टिक का लेके आ गई हूँ, तो थोड़ा बड़ा साइज़ का है और नीचे बांध दिया है, तो ये हिलता भी नहीं है। तो इसमें कौवे और कबूतरों को खाना रहता है, क्योंकि दिन भर वो लोग आते रहते हैं। तो पानी और खाना उनको दे देती हूँ, और उनके जाने के बाद में फिर मैं ये सूर्यनारायण भगवान का तुलसी की पूजा करने को ले लिया मैंने। तो मेरी भगवान की भी पूजा हो गई है, और मॉर्निंग का बाहर का भी जितना पूजा पाठ का था वो मैंने सब सुबह ही निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे बहुत दूसरे भी काम रहते हैं। अपना इनका मिस्टर का डब्बा रहता है, मेरे वीडियो भी रहते ही हैं, साथ में उनका एडिटिंग वगैरह रहता है। तो दैट्स व्हाई मैं पूजा का जो है वो सब मॉर्निंग में कर लेती हूँ। आज सोमवार का तो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये ना मैंने गैस लाया था पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही था। तो मैं अभी ना मुझे अच्छा लगता है, रोज़ ही मैं मतलब पूजा करती हूँ इनकी गैस की। ऐसे मैं पहले भी क्या करती थी, लेकिन ऐसा ये नहीं कहूँगी कुछ ऐसे बड़ा त्यौहार वगैरह था तब मैं पुराने अपने गैस की पूजा करा करती थी। लेकिन अब ये नया गैस है तो मुझे रोज़ ही पूजा करने को अच्छा लग रहा है। तो मैं अब रोज़ पूजा करने के बाद ही उसमें खाना वगैरह जो बनाना है उसकी शुरुआत करती हूँ। तो मॉर्निंग में तो क्या मैं ही अकेले रहती हूँ, बाकी सब सोए रहते हैं। अभी सुबह का 6:30 हो रहा है आई थिंक सो। तो पूजा करके फिर मैं चाय तो मिस्टर के साथ में ही लेती हूँ, तो तब तक कुछ और दूसरा रहेगा उसमें वो काम कर लेती हूँ। ये जो पुराने रीति रिवाज है ना, एक्चुअली मन को ना बहुत सुकून देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिल को बहुत तसल्ली और बहुत ही सुकून मिलता है ये सब करने के बाद में, और बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव सा फील होता है। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, तो दैट्स व्हाई मैं करती भी हूँ। और मेरे पास टाइम है तो मतलब बाहर बहुत ही बारिश गिर रही है आज, अगर मैं टाइम है तो फिर क्यों ना करूँ ना, मैं मॉर्निंग में मेरे पास टाइम रहता है। और आज ना मतलब मैं अपने अकेले के लिए चाय बना रही, मैं तो बताना ही भूल गई। मेरे मिस्टर नासिक गए त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर नासिक के, वहाँ गए दर्शन के लिए उनके दोस्तों के साथ में। तो संडे को ही निकल गए थे वो दोपहर को, तो आज दोपहर तक आने वाले 2-3-4 बजे तक। तो आज मॉर्निंग में तो मैं अकेली हूँ, तो बेटी भी नहीं है, वो मेरे बेटे की बेटा है मेरा, वो बैंगलोर में काम के लिए वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे उनके उसका बर्थडे मनाने के लिए वो बच्चे गए वहाँ पे, मतलब मेरी डॉटर गई है। तो दैट्स व्हाई आज मैं अकेली हूँ, आज पहली बार बहुत दिनों बाद मैं अकेली मॉर्निंग का चाय पी रही हूँ। तो अब चाय तो चाहिए भाई, तो मैंने मेरे लिए चाय बना ली है, और फिर बाहर मस्त बैठ के पक्षियों को देखते हुए आराम से सुकून से चाय पी रही हूँ। और आज टिफ़िन नहीं है, क्योंकि मिस्टर 2-3 बजे आएंगे तो डायरेक्ट खाना ही खा लेंगे, तो मैं डायरेक्ट खाना ही बनाने वाली हूँ। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है, मतलब आज थोड़ा शांत रिलैक्स हूँ मैं, और ये ऐसे पक्षी वगैरह को देखते हुए मस्त लगता है। कैसे दिन भर आते ही रहते हो लोग।
तो शिव जी का मस्त सॉन्ग लगा दिया था मैंने, और उस पर ये बाहर छोटी सी रंगोली डाल रही हूँ। मतलब त्योहारों में तो ऐसे बाहर आंगन में रंगोली डालना बहुत ही अधिक अच्छा रहता है, पॉजिटिव आता है। तो मैं जितना हो सके जब जब मतलब बड़ा त्यौहार रहता है ना तब डालती हूँ, ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता डेली का, लेकिन जब होगा तब डालती हूँ। तो देखिए ऐसे छोटी सी रंगोली डाल दी, बहुत ही सुंदर लग रही, प्यारी लग रही है, आंगन में ना इससे सुंदर दिखने लगता है, थोड़ा पॉजिटिवनेस भी फील होता है और आता भी है। तो अब मैं खाना बनाने को ले रही हूँ, ये भोग का ही खाना बना रही हूँ। तो मैं दोपहर को ही भगवान को भोग लगा दिया मैंने। तो ये मटकी लिया मैंने, एक पाव से थोड़ा कम है मटकी, तो उसके लिए ना थोड़ा सा तेल में स्प्राउट जो रहता है ना, स्प्राउट लिया, ये स्प्राउट मटकी, तो उसको भूंज लेना है थोड़ा सा, एक दो टीस्पून तेल डाला है मैंने, और उसमें उसको ना ऐसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। और यहाँ एक ओनियन लिया मैंने कटिंग करने को उसके साथ में। तो बहुत लोग सावन में प्याज और लहसुन नहीं खाते, लेकिन हमारे में चलता है तो हम लोग खाते हैं। मतलब मैं अगर अकेले चाहूँ तो नहीं खाऊंगी, लेकिन घर के बाकी के सदस्य नहीं मानते, तो फिर दैट्स वाई इतना वो लोग नॉनवेज नहीं खाते कोई भी सावन में। तो देखिए तेल में थोड़ा सा लहसुन, राई और जीरा डाला है, थोड़ा लहसुन डाल दिया है, करी लीव डाली है, और ओनियन एक कटा हुआ डाल दिया, और एक टमाटर कटा हुआ डाल दिया, थोड़ा एक से थोड़ा कम भी डाले तो भी चलेगा, टमाटर महंगा है उस, तो और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, घर का मसाला जो रहेगा आपका जो भी रहेगा वो, और रेड चिली पाउडर डाला है मैंने। और मसाले को फिर अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके बाद में जो रोस्ट की हुई मटकी थी उसे डाल देना है, हल्का फ्राई किया था मैंने, रोस्ट किया था। फिर ये गर्म पानी डाल देना है, पानी ज़्यादा पतला नहीं करना है। फिर ये सेंगदाने का जो फली दाना कहते हैं उसका पाउडर है, भूंज के जो पाउडर बनाते हैं वो है, तो 3 टेबलस्पून डाला है मैंने। और फिर नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा उबालने को रख देना है इसे। यहाँ पे दाल मैंने जो रखा था वो पक चुकी है, तो अब दाल फ्राई करने को ले रही हूँ, दाल को तड़का लगाने को ले रही हूँ। तो पैन में तेल डाल दिया है, और उसमें राई जीरा डाला है, 3 से 4 लहसुन कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्ची कटी हुई, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उसके बाद में फिर ये दाल डाल दिया उबली हुई, टमाटर दाल में मैंने पहले डाल दिया था, और नमक डाल देना है, थोड़ा सा गुड़ का ढेला डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए, और उबलने के बाद में कोतिंबीर जो धनिया कहते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे मटकी भी बनके हो गई थी, तो इसमें भी मैंने धनिया डाल दिया और ढक के रख दिया। और ये चावल का कुकर लगा दिया है, और अब यहाँ एक पैन पे मैं जीरा आलू बनाने को ले रही हूँ। उसके लिए तेल में 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ कटी डाली है, 3 से 4 करी लीव डाल दिए, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देना है, और गरम मसाला डालना है, और मसाले जलने नहीं देना है, तुरंत हमें आलू डाल देना है। तो 2 से 3 आलू कटे हुए लिए थे मैंने, कच्चे ही आलू है ये, इसे बारीक काट लिया है, और बस इसे फ्राई करना है मसाले में अच्छी तरह से, थोड़ा 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। और देखिए फ्राई होने के बाद में इसमें ऊपर से नमक डाल दीजिए, और अच्छे से सूखा होने देना है, इसको ना अच्छे से चटका लगाना है, तो जिससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ साइड में मैं सूजी का हलवा बनाने को ले रही हूँ, तो 2 टेबलस्पून घी डाल दिया, उसमें जितना घी में सूजी में आएगा उतना ही बारीक सूजी लिया मैंने, बारीक रवा डाल देना है। भूनने के बाद में उसमें गर्म पानी डालना है, और गर्म पानी डबल डाल देना है, और फिर शक्कर डाल देना है। तो देखिए हमारा हलवा बनके रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखिए आलू एकदम मैंने ड्राई कर रही हूँ, अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए कटे हुए, उसके बाद में इलायची का पाउडर डाल दिया है, और ये केसर डाल दिया है। तो मेरा हलवा बनके तैयार है, तो ढक के रख दिया ऐसे मैंने। ये आलू जो जीरा आलू था वो भी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया, तो बहुत टेस्टी लगता गाइस। तो कोरिएंडर लीव्स कटे हुए डाल दिया है, यहाँ पे बेसन में मैं हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल रही हूँ, और ये है बेसन के अपने पटाटो के पकौड़े बनाने को ले रही हूँ। और यहाँ पे ये बूंदी रायता बनाने को लिया, दही को पतला करके शक्कर डाल दिया, काली मिरी पाउडर डाल दी है, और को ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और बूंदी डाल दिया है। तो बूंदी रायता तो मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है, और यहाँ आटा गूंद लिया, और अब रोटी बनाने को ले रही हूँ, तो भगवान का भोग लगा दूंगी मैं। और यहाँ पकौड़े तल ले रही हूँ, ये पटाटो के पकौड़े हैं, मुझे गिलके के भी बनाने थे पर गिलके मेरे पास थे नहीं, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी मैं। तो ऐसे गर्मा गर्म खाना बस मेरा रेडी हो गया है, तो चलिए अब भगवान के भोग की थाली सजाने को लेते हैं।
होप सो गाइस आपको आज की मेरी ये थाली पसंद आई होगी, मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। और इसके बाद मैं शाम को मंदिर गई थी तो उसका भी आपको क्लिप दिखाऊंगी। मेरे शिव जी के दर्शन कर लीजिएगा हमारे यहाँ के मंदिर के शिव जी का, तो देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखने लायक मेरे भगवान है, मेरे महादेव है। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा। मैं बहुत ही सुंदर सुंदर सावन की डिशेज लेके आ रही हूँ, थाली लेके आ रही हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।